नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के बारे में मेंशन किया गया है। फर्स्ट वीडियो में पूरा रियल नंबर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पूरा इंट्रोडक्शन है, पूरे फार्मूले हैं, पूरे थ्योरम्स हैं। सेकेंड वीडियो में आपको मिलेगा 1.1 का क्वेश्चंस, और थर्ड वीडियो में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1.2। तो 1.2 में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, इसमें इतने फार्मूले हैं। पहले LCM into LCM is equal to PX into QX. LCM into LCM is equal to PX into QX. LCM lowest common multiples, LCM highest common factors, PX first number, QX second number. इस तरह से ये पांच फॉर्मूले हैं। LCM is equal to PX into QX upon LCM. इसमें से चार वेरिएबल है, 1, 2, 3, 4, कोई तीन वेरिएबल आपको दिया रहेगा। इस तीन वेरिएबल में से चौथा वेरिएबल आपको फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है वो फार्मूले में पुट कर देंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये पांचों फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 140 का प्राइम फैक्टर बनाना है पहले। तो प्राइम नंबर आप पहले वीडियो में बता चुका हूं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स में 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी द नंबर विच डिविजिबल बाई इट्सेल्फ एक्सेप्ट 1, सच नंबर्स आर कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हम जब भी स्टार्ट के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 लाइक दिस आगे तरफ प्राइम नंबर से ही आप डिविजिबल करें। प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्राइम नंबर हमें देखना है कि पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 के टेबल में हाई आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता तो 2 से नहीं करते, यहाँ आएगा तो 2, 7, 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 डिवाइड करेंगे 1, इस प्रकार से बन जाएगा। अब होगा नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू 140 को क्या बनाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये इसका प्राइम प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर का फॉर्म हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये पहले आपको इसमें दिया गया है, इस क्वेश्चन दो नंबर दिए गए हैं, तो पीएक्स दिया गया है, क्यूएक्स दिया गया है। पहले इसके हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे, और उसके बाद इसके फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या क्या गिवन है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि फाइंड करना होता है उसमें क्या क्या गिवन है, उसको पहले राइट कर दीजिए। क्या पूछा गया है उसको राइट कर लीजिए, उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे उस फॉर्मूला को राइट कर लीजिए, 75% सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में फॉर्मूले के बाद कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा राउंड होगा और उसके बाद जो है रिमेनिंग नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अगर डायरेक्ट आप करते हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो 0, सही भी हुआ तो स्टेटमेंट का नंबर कट करके हाफ मिलेगा, 2 मिलेगा, जैसा होगा उसके हिसाब से मिलता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, मैथ में अच्छा अंक आपको गेन करना है तो सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन को बार बार रीड कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या क्या गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में है
क्वेश्चन नंबर टू में 26 और 91, तो पीएक्स की वैल्यू जो है आपका क्या है 26 है, क्यूएक्स की वैल्यू, जीएक्स की वैल्यू क्या है 91। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि एचसीएफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब वी नो दैट फर्स्टली 26 का प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 × 13 कर सकते हैं। उसके बाद 91 का फैक्टर बनाएंगे, तो 7 × 13। उसके बाद कॉमन फैक्टर इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है 13, यहां लिख देंगे 13, तो एचसीएफ इक्वल टू 13 हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 13। यह है कि जो भी दोनों में कॉमन होता है वो आपका एचसीएफ होता है, एचसीएफ इक्वल टू 13। अब हमें एलसीएम चाहिए, एलसीएम इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है पीएक्स इंटू जीएक्स अपान एचसीएम। अब देखिए दो वेरिएबल ये है, एक हमने फाइंड कर, तीसरा वेरिएबल मिल गया, चौथा वेरिएबल आप फॉर्मूला से लगा सकते हैं। तो इसमें आपका होगा px की वैल्यू 26, tx की वैल्यू 91, scf हमारा आ गया 13, 37 जा 91 और 7 से क्या 42, 182 है, 7 से क्या 42 कैरी 4, 7 टू जा 14 और 4 18, आपका scf मिल गया। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दिस। आपको वेरीफाई करना है, तो यहां पर हमारा क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। नाउ वेरीफाई हमारे पास है पीएक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब पीएक्स की वैल्यू पीएक्स के स्थान पर रख देंगे 26 इंटू 91 इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू 182 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे यहां पर आ गया 182, मैं 13 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 6, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3 एंड 2 = 5। फिर 1 × 2 = 1 8 = 1 6 6 एंड हियर आल्सो मल्टीप्लाई 91 × 26 6 × 1 = 6 6 × 9 = 54 एंड 2 × 1 = 2 2 × 9 = 18 6 6 39 2 2 3 6 6 2 3 6 6 It means here 2 3 6 6 2 3 6 6 Both side equal, it means this is the verify. अब यहाँ तक verify हो गया। So अब
कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया है। तो यार फर्स्टली फाइंड आउट व्हाट आर द गिवन, राइट डाउन व्हाट आर आस्किंग, राइट आल्सो एंड व्हिच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई, राइट फॉर्मूला एंड सेम थिंग्स वन क्वेश्चंस मोर आई एम गोइंग टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हियर इट इज सॉल्यूशन गिवन हियर, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 309,657 इज 9, फाइंड द एचसीएफ। सिंपल हियर गिवन, व्हाट आर गिवन, Px is equal to 306, Gx is equal to 657, SCF is equal to 9, LCM is equal to question mark, we know that LCM, LCM is equal to, यह formula आपके पास है, Px into Gx upon SCF, यह Px की value 306 into 657 अपॉन एचसीएफ गिवेन 9, यह 9, 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड आफ्टर दैट 34 इनटू 657 जब मल्टीप्लाई करने पर आंसर होगा 22338। एलसीएम इक्वल टू एलसीएम या आपका एलसीएम हो गया। लास्ट में बॉक्स बना देंगे, इंडिकेट करेंगे कि दिस इज द योर आंसर। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए उसके इंडिकेशन देना जरूरी होता है, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स टू द पावर एन चेक वेदर सिक्स टू द पावर एन कैन एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। वन बार क्वेश्चन हर बार इसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको फैक्टर बनाएंगे, 2 × 5, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 के पावर एन। और अगर 0 से n होने का क्या कंडीशन है कि यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए। 0 से n होने का मतलब कि यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए, और यूनिट डिजिट पर 0 होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर 5 का फैक्टर होगा तभी वो डिजिट जो है 0 से n होगा। इसे 5 जो कंपल्सरी नहीं है कि जो 0 से 5 का फैक्टर है तो 0 सेंड होगा ही, ऐसा नहीं है, होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। जैसे 5 × 10, 10 जीरो आ गया, 5 × 4 = 20 जीरो आ गया, 50 भी 5 के टेबल में है लेकिन 50 पर 0 से नहीं हो रहा, तो 10, 20, 30, 40 यानी जो 5 पर फैक्टर्स होगा वही 0 से एंड होने का चांस है, अदरवाइज चांस नहीं है। तो सब सिंपली देख लीजिए कि अगर इसमें कोई फैक्टर जो है अगर 5 के फॉर्म में है, 5 का फैक्टर्स है तो वो 0 से एंड होने का चांस है। यहां पर कोई फैक्टर्स नहीं है तो सीधा आपको आंसर ही लिखना पड़ेगा कि नो फैक्टर्स, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 5। सो आंसर आपको इस स्टेटमेंट में आंसर देना पड़ेगा, देयर इज नो नेचुरल नंबर एन, देयर इज
no natural number n for which six to the power n and with digit zero because it is not a factor of 5. Because it is not a factor of 5. Simple is the answer. Paper में example में आता 4 to the power n, 6 to the power n, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वो 5 का factor है तो 0 से n होने का chance है. अगर 5 का factor नहीं है तो 0 से n होने का कोई chance नहीं है. ठीक है, तो अब यहां पर एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व कर देता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 6 Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. So see here, 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 plus 13. अभी आपको बताना है, ये solution है. यह आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है. तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी करना है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है. ये फर्स्ट वीडियो में सारा मेंशन किया गया, इसलिए मैं बार-बार इंडिकेट कर रहा हूं कि इसके लिए फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए. कंपोजिट नंबर द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वे लाइन एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन, सच नंबर्स आर कॉल्ड एज अ कंपोजिट. यानी कंपोजिट नंबर जो है अपने नंबर के अलावा किसी और नंबर से भी क्या होता है, डिविजिबल हो जाता है. और हमें देखना है कि इसमें क्या चीज है. इसमें देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 को हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 7 into 11 plus 1. अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये 13 कॉमन होने का मतलब 13 से इसका मल्टीपल है, इसका मतलब 13 के टेबल में आना ही आना है. ठीक है, तो इट इज द डिविजिबल बाय 13 एंड इटसेल्फ आल्सो, इट इज डिविजिबल बाय 13, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, और सेकेंड पार्ट है इसका सेम टू सेम. सेकेंड पॉइंट आल्सो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. सिंपली लाइक दिस यू टेक 5 कॉमन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. अब हमें इसका मतलब नहीं, ऐसे किया कितना होगा इसे कोई मतलब नहीं है. आपको सिर्फ देखना है कि क्या है, ये 5 का टेबल में है तो इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 5, so it is a composite number. So it is a composite number. अब exercise
1.2 also completed. और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर चलूंगा, वह एक वीडियो और रिमेनिंग है, वो कल मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, 1.3 और 1.4, तो ये चैप्टर आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो और आपको होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट हो तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, अगर कहीं आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चंस में, किसी पॉइंट्स में, तो मैं आप कमेंट देते रहिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं उसके हिसाब से आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देता रहूँ। अगर किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी एक्सरसाइज में अगर कोई आपको डाउट हो तो आप जो है ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9210710311, इस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में आप डालिए या कमेंट में भी लिख दीजिए तो मैं आपके समस्या का समाधान कर दूंगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, मैं आप सेवा के लिए हूँ। आपका सिर्फ मेरे लिए एक ही हेल्प करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, बस मेरे लिए बहुत। मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, नहीं समझ में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से अपना कॉन्टेक्ट कीजिए और क्वेश्चन लिखिए, अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके फिर आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, या नहीं तो जरूरत पड़ेगी तो एक नई वीडियो बना लूँगा, ठीक है। एक वीडियो और रिमेनिंग है, वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।